वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका देवांशी ब्लॉग्स में। और आज हम खड़े हैं सीहोर के डाइट कॉलेज में, तो देखते हैं कि ये डाइट कॉलेज में आजकल चल क्या रहा है। तो यहाँ गेम राज्य स्तरीय डाइट प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है, जिसमें सारे 7 जोन हैं, वहाँ के सारे खिलाड़ी आए हुए हैं। यहाँ खो खो, वॉलीबॉल, चेस गेम हो रहा है। तो हम चल देखते हैं कि ये डाइट कॉलेज कैसे है, यहाँ का ग्राउंड वगैरह कैसा है। तो चलिए ब्लॉग में आप बने रहिए और देखते हैं, हम आपको सब घुमाएंगे कि यहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है। तो चलिए देखते हैं। ये कल ये खो खो गेम हो रहा था यहाँ, तो ये यहाँ का ग्राउंड है और उधर खाने की व्यवस्था है। और ये पूरा ये जो आए हुए हैं बाहर से खिलाड़ी, तो यहाँ उनके रुकने की व्यवस्था है। तो चलिए हम यहाँ के रूम भी दिखाते हैं आपको कि रूमों में कैसी व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है। तो चलिए अंदर चलते हैं। डाइट कॉलेज बहुत ही अच्छी है और यहाँ से ये गेट है, यहाँ आगे हमारी माँ सरस्वती माँ जी की प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ का देख सकते हैं कि ये डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है, ये सारे रूम्स हैं। और यहाँ नवाचारी भी बहुत देखने को मिला है, ये लर्निंग कॉर्नर है यहाँ। और यहाँ के लर्निंग कॉर्नर में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ है सब। और हमारा चेस का गेम शुरू होने वाला है, सारे खिलाड़ी अपने अपने जगह में बैठ चुके हैं जितने भी जोन से आए हैं। इधर हमारा कैरम का गेम होगा, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, सो अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इधर ये कंप्यूटर रूम है यहाँ सतना के सीहोर डाइट का। ऊपर का पूरा दृश्य है, यहाँ के जितने भी क्लासरूम्स थे तो उनको अभी मतलब बाहर से आए हुए जो खिलाड़ी हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। और अब हम चलते हैं जहाँ नाश्ता वगैरह नाश्ते की व्यवस्था है, वहाँ चलेंगे, कुछ खिलाड़ियों से उनका अनुभव लेंगे कि उनको यहाँ आके कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं उधर। सफाई का काम शुरू है और सारे खिलाड़ी अपना नाश्ता करके आ चुके हैं और बहुत ही लोग खुश लग रहे हैं, होना भी चाहिए। ये खिलाड़ियों की नाश्ते की व्यवस्था है, तो वो अपना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। और यहीं शाम का भी खाना मिलता है और दोपहर का, और ये सब अपना खा पी रहे हैं आराम से। व्यवस्था अच्छी है, नाश्ते में पोहा और आलू बंडा है, सुखा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये शायद पुरानी बिल्डिंग थी जो पहले थी। और उधर अपना वॉलीबॉल का गेम होगा, ये पूरा यहाँ ग्राउंड है, आगे भी है ग्राउंड, तो वहाँ खो खो का गेम हो रहा था। ये सारे खिलाड़ी हैं यहाँ इकट्ठा हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, नाश्ते की व्यवस्था, हमने नाश्ता कर लिया है। और यहाँ भी कुछ लोग हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और अपने अपने तर्क बता रहे हैं, और वो लोग टीचरों से भी बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ मज़ा तो बहुत आ रहा है। और जो उनके भैया लोग हैं और ये नाश्ता किए जा रहा है और ख़त्म भी इन्होंने कर दिया है, तो भैया आप ये बताइए आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? अब अंकल को देखिए, कैसा लगा कुछ बताइए। व्यवस्था पहली बार मिली है, व्यवस्था थी मतलब ये आप ताना मार रहे हैं कि सुनो तो मतलब बुलाएंगे भी ना, हमारे घर पर लेकर भी जाएंगे गाड़ी, तो हम बैठकर आने वाले नहीं हैं। अच्छा। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था है, खुश हो गए की बात। 2 किलोमीटर को भैया मालूम जिंदे में हम सर व्यवस्था है, डब्बे में पानी ले लेके दौड़ रहे हैं। लोगों से थोड़ी बात करते हैं, पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा यहाँ। सब बच्चे तो अपना अपना दे रहे हैं, सर से भी पूछे कैसा लगा। दादाजी वगैरह के टाइम पे सर आप कहाँ से आए हुए हैं, थोड़ा बता दीजिए।
अच्छा तो सर आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बताइए कि आपको यहाँ कैसा लगा? चेहरे लगा आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। हाँ खुश हैं सब लोग, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे हैं सीओर को। परिस्थिति सबके सामने आती है। अच्छा सब में खुश है करके अच्छा लगा। और इन्होंने बताया कि हमें खुशी है तो हो गया, अपने अपने जो जो दृष्टिकोण बना लेता है उसके हिसाब से सही है। अब हम बड़ा ग्राउंड है इधर का, आप सब ये हॉल है और उधर लड़कों की रुकने की व्यवस्था की गई है, उधर गर्ल्स का जाना अलाउ नहीं है तो हम नहीं जा सकते, दूर से ही आपको दिखा देंगे। और इधर पार्किंग की व्यवस्था है और इधर झूले वगैरह भी लगे हैं कुछ, अंदर चेस हो रहा है तो चलिए हम थोड़ा चेस का गेम भी देख लेते हैं। अभी उतनी टाइम स्टार्ट होने वाला था तो मैं सोची कि तब तक मैं और कुछ भी घुमा दूँ, तो अब चलिए चेस देखते हैं कैसा हो रहा है और इसके क्या परिणाम होते हैं। गेम और कैरम का गेम चालू है तो हम छत की ओर चलते हैं और इधर से पूरी डाइट कॉलेज हम आपको दिखाते हैं सीहोर की। ये डाइट कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, यहाँ का मतलब प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ये पूरा छत से व्यू है, इधर देख सकते हैं आप सब, और यहाँ बहुत ही शांति है, मतलब तो आई जस्ट होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और सीहोर डाइट भी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।